आसमानी आफत का कहर, गांव गांव शहर शहर, हर जगह खंड प्रलय का चित्र, कई लोगों की अकाल मृत्यु, कहीं पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहे हैं, कहीं बड़े बड़े ब्रिज ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। लोगों के मुख पर एक ही नाम, हे हरि सुन लो हमारी पुकार। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। भारत के कुछ राज्यों में आसमानी आफत जल प्रलय ऐसा हुआ है कि सरकार भी सोच में पड़ गई है कि बचाएं तो किसको और कैसे। जम्मू का वैष्णो देवी मंदिर हो, या उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का चित्र हो, या हिमाचल प्रदेश हो, गांव गांव शहर शहर बारिश का ऐसा तांडव दिख रहा है कि लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कहते नहीं थक रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा में भारी बारिश के कारण हिमाचल को पंजाब से जोड़ने वाली चक्की ट्रेन पुल ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। मंडी जिले में नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके वजह से लोगों की जान पर खतरा बना हुआ है। इसी जिले में दूसरी जगह कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बाढ़ एवं लैंडस्लाइड्स की वजह से सबसे ज्यादा बारिश का कहर पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश से भी ज्यादा बारिश उत्तराखंड में हो रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले का तस्वीर अति विचलित करने वाला है। जबरदस्त लैंडस्लाइड्स, बड़े बड़े पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं, रस्तों का नामो निशान मिट चुका है। नदियों में बाढ़ के वजह से कई मंदिर घर जलमग्न हो चुके हैं। डेहराडून में सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि बादल भी कहर बनकर टूट रहे हैं। रायपुर इलाके में बादल ऐसा फटा कि लोगों में अफरा तफरी मच गई। गांव के कई घरों में पानी घुस गया, पूरे गांव को खाली करना पड़ा, तो कुछ लोग अभी तक गायब हैं। मालदेवता में भी बादल फटने से कई घर बह गए। जम्मू के कटरा की तस्वीर तो और भी भयानक है। वैष्णो देवी मंदिर के निकट भारी बारिश ने भक्तों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। सड़कों पर केवल पानी ही पानी दृश्यमान हो रही है। क्या इन सभी घटनाओं का संबंध पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बाज पक्षियों का उड़ना एवं मंदिर के 22 सीढ़ियों पर जल बहने से है? क्या इसी का सूचना महाप्रभु जगन्नाथ हमें देना चाहते थे? इस पर आपका क्या विचार है साथियों, अवश्य कमेंट करें। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।